दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। नवाज के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कबूल किया है कि पाकिस्तान में बंदी और भारतीय जासूस होने के आरोपी कुलभूषण जाधव के खिलाफ उनकी सरकार के पास अपर्याप्त सबूत हैं। अजीज ने पाकिस्तानी संसद में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को देने के लिए जाधव के बारे में पाकिस्तानी एजेंसियों और सरकार के तैयार डोजियर में कुछ भी नहीं है। सरताज ने कहा, जाधव ने सिर्फ बयान दिया है लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पाकिस्तानी एजेंसियों का दावा है कि ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया और वो पाकिस्तान के भीतर विध्वंसक गतिविधियों की योजना बना रहा था। पाकिस्तानी सेना ने भी जाधव के इकबालिया बयान वाला वीडियो जारी कर दावा किया था कि जाधव भारतीय नौसेना से जुड़ा हुआ है। भारत ने स्वीकार किया कि जाधव भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त है लेकिन इस आरोप से इनकार किया है कि वो सरकार के संपर्क में था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के रहने वाले कुलभूषण जाधव ईरान के बंदरगाह चाबहार में अपनी निजी व्यापारिक नौका से कारोबार करते थे। भारत ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तानी सेना ने कुलभूषण को ईरान से ही अपहरण कर बंदी बनाया था। पाकिस्तान का ये मानना इस लिहाज से भी अहम है कि कुलभूषण को भारत वापस लाने के लिए भारत अब तक 6 बार कोशिश कर चुका है लेकिन जवाब में हमेशा पाकिस्तान ने इनकार ही किया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।